आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखिए। ये देखो मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन लिया था और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। वालेकुम सलाम। देखो आप सब बच्चे देखो, बहुत सिंपल सा है बेटे। आप पहले इस टेबल को वर्टिकल टेबल बनाओ सबसे पहले, तो कि भाई इसको हमारे पास, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर दिया, ठीक है। तो डेली एक्सपेंसेस हमारे पास हो गया, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कि भाई किस घर में कितना खर्चा होता है। पहले तो हम वही कर रहे हैं बेटे, जो टेबल दिया हुआ है ना उसमें हम कुछ नहीं कर रहे अपनी तरफ से, एज इट इज उस टेबल को वर्टिकल बना रहे हैं जिससे कि हम आगे कॉलम्स बना सकें। तो डेली एक्सपेंसेस हो सकता है किसी घर में डेली एक्सपेंडिचर 100 से 150 रुपए हो। वो कितने घर हैं? 4 houses हैं, और ऐसे घर जिनमें 150 से 250 200 रुपए है, 50 का गैप है यहाँ पे, तो वो 5 houses हैं। फिर 200 से 250 है तो वो 12 houses हैं। फिर 250 से 300 वाले एक्सपेंडिचर वाले जो घर हैं वो 2 हैं, और 300 से जो 350 वाले houses हैं वो 2 हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं, डेली जो आपका एक्सपेंडिचर है उसका एवरेज निकालो कि भाई हर घर में तकरीबन तकरीबन इतना खर्चा होता है सारों का एक साथ मिला के। तो अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास टेबल बन चुका है। अब हमें टेबल में ही देखना है कौन कौन से कॉलम बनाने। तो क्या किसी को याद है अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालते हैं? अब हम निकालते हैं एक्स, ठीक है। जो हमारा नंबर ऑफ हाउस होल्ड है ये हमारा बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? हमें निकालना होता है मिड पॉइंट। जो आपके पास क्लास साइज गिवन है, जैसा पहला क्लास साइज है 100 से 150, 100 से 150, तो अब हमें निकालना है क्लास मार्क, यानी कि हर क्लास का मिड पॉइंट। तो क्लास मार्क मैंने अभी आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, दोनों लिमिट्स को आप प्लस कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो पहला वाला जो हमारे पास है वो है 100 प्लस 150, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 250। तो 250 का हाफ कितना हो जाएगा? 250 का हाफ 125। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका इसका एक और आसान है। आप ये देखो कि 100 में और 150 में कितने का गैप है? 50 का हाफ कितना होता है? 25। तो उसे सीधा उठा के लोअर लिमिट में प्लस कर दो। इसमें प्लस कर दो लोअर लिमिट में। तो पहले वाले की जो लोअर लिमिट है वो है 100, उसमें 25 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? अच्छा देखो, 120। देखो सेकंड वाले में भी कितने का गैप है? 50 का गैप है, तो 50 का हाफ कितना हुआ? 25। तो लोअर लिमिट में 25 ऐड करो, 175। यस, तो आपकी मर्जी है कैसे आप समझते हो। तो ये आ गया 175। फिर 200 में 25 तो 225, फिर 250 में 275, और फिर 300 में 325। ऐसे वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे सारे क्लास में 50 का गैप है, कितने का गैप है? 50 का, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास आ रहे हैं, यहाँ भी आपके पास 50 का ही गैप होगा। पहला 125, दूसरा 175, फिर 50 ऐड करो 225, फिर 50 ऐड करो 275, फिर ऐड करो 325। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, ये हमारा आ गया एक्स। तो अभी हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक कॉलम और बनाना होता है, वो कौन सा कॉलम होता है? अब अगर आप ध्यान से देखना चाहो कि अब हमारे पास बेटे, प्लीज इधर आप सब बच्चे, अगर आप समझो, अब इसमें इस वाले कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कहानी खत्म हो चुकी। जो पहला वाला कॉलम था क्लास साइज वाला, अब इसकी मीन निकालने में कोई जरूरत नहीं है। इससे जो मुझे मिड पॉइंट निकालने थे वो निकल चुके, तो अब इससे वो देख के कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है? एफ को और एक्स को, सही है?
सर सही है। तो अब हमें सिर्फ एफ और एक्स को देखना है। चलो फिलहाल मैं इसको एफ और एक्स को बाद में लिख दूंगा कॉलम से। तो अब हम सीधा 125 × 4, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड करना। अभी हम एक और इजी मेथड लेंगे तो उसमें दूसरी चीजें आएंगी। तो 125 × 4 500 होता है, ध्यान रखना। यस सर। ये हो जाएगा 500 × 5। तो बताएगा मुझे आप जो है मल्टीप्लाई जो करते हो, प्लीज आवाज नहीं बेटे बात मत करो, आप जो मल्टीप्लाई करते हो थोड़ा सा वैसे किया करो कि 175 का डबल होता है 350 का डबल होता है 700। तो 4 टाइम अगर करोगे तो 700 हो जाएगा, फिर 175 ऐड करोगे तो 875 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे भी सोचा करो। अच्छा 225 आ रहा है, 12 है, तो 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा कितना होता है? हाँ भाई 12 5 जा होता है 60, 6 लिया कैरी, 12 2 जा 24 और 6 30, 3 कॉमन, 12 2 जा 24 और 3 27। तो ऐसे भी आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको कोने में जाके कैलकुलेशन करना पड़े जैसे आप करते हो। 2 से 275 को मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 550 आएगा, और 325 का डबल करोगे तो 650 आएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट आएगा और इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ऐड करो भाई, 5 आ गया, ठीक है, 7 और 5 12 और 5 17 आ गया, 1 156 और 8 14 और 21 26 और 6 32, 3 आ गया भाई, 3 और 2 5, तो आपके पास आ गया 5275। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सिग्मा एफ। इरफान से 10 मिनट बाद बात करें इंशाल्लाह। अच्छा ठीक, शुक्रिया। तो सिग्मा एफ करो भाई जरा, हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एफ हो गया सर 9 और 12 21 और 25। ये हमारे, तो ये हमारे पास था बेटे सिग्मा एफ एक्स और ये हमारे पास था सिग्मा एफ। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब सिर्फ डिवाइड कर दीजिए। तो बार एक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? बार एक्स इज इक्वल टू, बार एक्स कहते हैं मीन को, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सिग्मा एफ एक्स कितना, एफ एक्स कितना आया था? 5275। और सिग्मा एफ कितना आया था? 25 से 2 टाइम जाएगा 50। यस और नो? यस। ठीक है, 2 टाइम, अब यहां रह जाएगा 2, 27, तो 25 बन जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, फिर 25, 25 हो गया, फिर 25 हो जाएगा, 25 बन जा 25, कितना आया भाई? कितना आया था? 211। तो तकरीबन हर घर में 211 रुपए खर्च होते हैं। तो इसे कहते हैं एवरेज, कि भाई सारों को ले लेते हैं, चाहे किसी के यहाँ 100 रुपए, अब मैं इसको कॉलम को बना देता हूँ, पहला वाला क्या था, तो चाहे किसी के यहाँ 100 से 150 रुपए हो रहे हो या 150 से 200 रुपए हो रहे हो, तो पूरा अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन हर घर में एवरेज 211 रुपए का खर्चा होता है। इसे कहते हैं एवरेज निकालना और डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, सबको समझ में आ गया या कुछ रह गया सर? Yes, sir. आ गया। अब यहाँ yes. दूसरा मेथड आता है, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया 125 को 5 से, 12 को 225 से, ऐसा ना करना पड़े, तो इसके लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। तो अब इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से करेंगे और फिर उससे भी इजी होता है स्टैम्प डेविएशन। आंसर सबसे 211 ही आएगा, 211, बट इजी हो जाता है कैलकुलेशन। चलो जी, अब देखो दूसरा मेथड देखेंगे।